गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास सेकंड सब्जेक्ट ईवीएस और चैप्टर सिक्स विच इज रनिंग ऑन दैट इज फूड एंड हेल्थ। खाना खाने का और स्वास्थ्य के बारे में हम पढ़ रहे थे। हमने एक्टिविटी डिस्कस कर रखी थी, फूड ग्रुप्स के बारे में पढ़ा था। देयर इज द थ्री मेन फूड ग्रुप्स, एनर्जी गिविंग फूड, बॉडी बिल्डिंग फूड एंड प्रोटेक्टिव फूड। और हमने डिटेल के अंदर भी एनर्जी गिविंग फूड के बारे में और बॉडी बिल्डिंग फूड्स के बारे में डिस्कस किया था। नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द प्रोटेक्टिव फूड। नाम से ही पता चल रहा है, प्रोटेक्टिव का मीन्स होता है बचाना, अपने आप को प्रोटेक्ट करना, प्रोटेक्ट अवर सेल्फ फ्रॉम थिंग्स, किसी भी चीज़ से अपने आप को प्रोटेक्ट करना। मतलब अब ये प्रोटेक्टिव फूड है, मतलब इस फूड को खाने से आपकी बॉडी प्रोटेक्शन मिलेगा, आपकी बॉडी को किसी भी डिजीज से वगैरह उससे। तो देखिए डिस्कस करते हैं, प्रोटेक्शन का मीन्स होता है, क्लियरली मीनिंग देखें इसका तो मतलब होता है, प्रोटेक्शन का मीनिंग होता है बचाओ। और प्रोटेक्टिव फूड के लिए आए, मतलब जो आपके ऐसा खाना जो आपको प्रोटेक्शन दे, क्लियर। द फूड आइटम दैट प्रिवेंट अस फ्रॉम फॉलिंग इल, मतलब ऐसा खाना, फूड आइटम जो हमें प्रिवेंट करता है, बचाता है, अस फ्रॉम फॉलिंग इल, मतलब आपको बीमार होने से बचाता है, आर कॉल्ड प्रोटेक्टिव फूड्स, उन्हें हम प्रोटेक्टिव फूड कहते हैं। दे कीप आवर बॉडी फिट, ये अपनी बॉडी को फिट रखते हैं, स्ट्रांग रखते हैं और हेल्दी रखते हैं, हमारी बॉडी को फिट, स्ट्रांग एंड हेल्दी रखते हैं। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर प्रोटेक्टिव फूड, जितने भी आपके फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आप खाते हैं वो सभी प्रोटेक्टिव फूड्स की कैटेगरी में आते हैं। देखिए पिक्चर्स भी देख लीजिए, देखिए फ्रूट्स की पिक्चर्स हैं, बहुत से फ्रूट्स को आप जानते भी होंगे, खाए भी होंगे। ये वेजिटेबल्स हैं, बच्चे हैं, पता है वेजिटेबल्स कम पसंद होती है उनको, लेकिन खानी चाहिए आपको, क्लियर। बहुत अच्छे होते हैं, हेल्दी। देखो आप समझते नहीं, बड़े होंगे तब आपको पता चलेगा कि वेजिटेबल्स हमारे लिए कितनी नेसेसरी, बहुत ज़रूरी होती, तो खानी चाहिए आपको, क्लियर। वी शुड ईट फूड आइटम्स फ्रॉम ऑल फूड ग्रुप्स टू स्टे हेल्दी, हमें खाना चाहिए फूड आइटम्स हर फूड ग्रुप में से, जितने भी फूड ग्रुप्स हमने पढ़े हैं। ये देखिए बता दूँ आपको, एनर्जी गिविंग फूड, बॉडी बिल्डिंग फूड एंड प्रोटेक्टिव फूड, ये तीन फूड ग्रुप है। मैं इनको मार्क भी कर दूँ, वन, इसको टू मार्क करूँ, इसको थ्री मार्क करूँ, तीनों के खाने चाहिए। खाने के आइटम्स देख लीजिए, पिक्चर से देख लीजिए आप, खाने चाहिए तो। और इनकी भी लिमिटेशन है, ज़्यादा नहीं खाना, जितनी आपको रिक्वायरमेंट हो, जितना हो। देखिए हमेशा चीज़ होती है, जैसे हम ब्रेड खा रहे हैं, आपको कार्बोहाइड्रेट चाहिए एनर्जी गिविंग फूड, तो आपने दो तीन स्लाइस खा ली, फोर फाइव स्लाइस खा ली, इनफ है। आप पूरा पैकेट खाने का ट्राई मत करिए, और भी ज़्यादा नहीं करिए, नहीं तो आपको प्रॉब्लम्स हो सकती है, क्लियर। तो सभी फूड ग्रुप्स से आइटम आपको खाने चाहिए, वी शुड ईट, खाना चाहिए, ईट का मीन्स खाना, और ये फूड, इसको भी खाना ही कहते हैं, भोजन कहते हैं। आइटम्स फ्रॉम ऑल फूड ग्रुप, ऑल का मीन्स होता है सभी ग्रुप के अंदर से, स्टे हेल्दी, जो हमें आपको हेल्दी रखता है। वी मस्ट आल्सो ड्रिंक प्लेंटी ऑफ क्लीन वाटर, हमें ड्रिंक का मीन्स होता है पीना, प्लेंटी का मतलब भरपूर, क्लीन वाटर मतलब साफ पानी पीना चाहिए, पीने का पानी। इट हेल्प्स टू रिमूव वेस्टेज फ्रॉम आवर बॉडी, और ये हेल्प करता है, हमारा सहायता करता है रिमूव, निकालने में, वेस्ट फ्रॉम आवर बॉडी, जो वेस्ट पार्ट होते हैं अपनी बॉडी से निकालने में, ये हेल्प करता है, क्लियर। फिर देखिए नीचे एक एक्टिविटी है, राइट द नेम्स ऑफ द फूड आइटम यू वुड लाइक टू ईट और फॉर ब्रेकफास्ट। अब ब्रेकफास्ट के लिए ईट करते हैं, लंच डिनर तीनों चीज़ों का दे रखा है, फ्रॉम ईच फूड ग्रुप इन द गिवन बोल। आपको भी, आप भी जो फूड आइटम्स खाते हैं लंच ब्रेकफास्ट में, लंच में डिनर में, तो हर फूड आइटम में ग्रुप में से आपको फूड आइटम्स के नेम लिखने हैं आप खाते हैं। जैसे देखिए सपोज पहले बात करें, ब्रेकफास्ट का मतलब होता है आपका सुबह का नाश्ता, लंच आप दोपहर का खाना खाते हैं, डिनर रात का। अब एनर्जी गिविंग फूड आपने क्या लिया, अगर मान लो आप ब्रेकफास्ट में पोहे खा रहे हैं, ठीक है, पोहे खा रहे हैं, तो वो एनर्जी गिविंग फूड है। पोहे क्या होते हैं, चावल, भाई देखिए कैटेगरी देखिए, राइस की बात करें, राइस से बनते, तो राइस आपका एनर्जी गिविंग फूड है, तो मतलब आपने ब्रेकफास्ट में क्या लिया, एनर्जी गिविंग फूड लिया, ठीक है। आपको उनके नेम्स लिखने हैं जब पोहे लिखे, ठीक है। लंच में आपने जैसे मान लो क्या खाया, चपाती खाई, दाल खाई, ठीक है, और सब्जी खाई, तो आपका क्या होगा, जो रोटी होगी, सीरियल्स होगी, अनाज होगी, वो एनर्जी गिविंग फूड है। बॉडी बिल्डिंग फूड्स आपका दाल है, तो प्रोटीन होता है उसके अंदर, बॉडी बिल्डिंग में आ गया, ठीक है। और प्रोटेक्टिव फूड में आपका क्या आ गया, वेजिटेबल्स, सब्जी आ गई, क्लियर। डिनर के अंदर भी आपने ऐसी आइटम्स खाए, मान लो डिनर के अंदर आपने आपने रोटी ले ली, एनर्जी गिविंग फूड मिल गया आपको, ठीक है, चावल भी खा लिए तो वो भी एनर्जी गिविंग फूड में, बॉडी बिल्डिंग फूड में, दाल खा ली, दाल नहीं है तो कुछ नहीं, आपने बॉडी बिल्डिंग फूड्स के अंदर आपने चलो मान लो रात को फिश खा ली हो, चीज़ खा ली हो, चिकन मिल गया हो, ठीक है, एग करी बन गई, एग्स खा लिए, बॉयल एग वगैरह, वो आ गया प्रोटेक्शन। रात को मान लो फ्रूट्स ले लिया आपने, फ्रूट सैलड ले लिया, ठीक है, वो ले लिया, या कोई दूसरी अच्छी वेजिटेबल्स खा ली, ठीक है। तो ये आइटम्स ऐसे आप मेंशन कर सकते हो खाने के आपको क्या मिल सकते, क्लियर। तो आज हमने डिस्कस किया प्रोटेक्टिव फूड्स के बारे में, और सभी फूड ग्रुप्स को आइटम्स को आपको खाना चाहिए, ये आपका एक चार्ट टाइप बन सकता है पूरा उसके लिए, क्लियर। आज के लिए इतना ही, होप यू लाइक दैट। एनी प्रॉब्लम, एनी क्वेरी, देन प्लीज़ आस्क, थैंक यू।